प्रियंका चोपड़ा के बाद बोल्ड लुक में नजर आई दीपिका पादुकोण। मेकअप की वजह से हो रही ट्रोल। दीपिका पादुकोण ओरिजिनल फैशनिस्ट हैं, लेकिन इस बार वो ट्रोलर के निशाने पर हैं। दरअसल 18 फरवरी की रात पेमिना ब्यूटी अवार्ड्स 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाओं ने ग्लैमरस लुक में एंट्री मारी, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर अनुष्का शर्मा, अनन्या पांडे, रकुलप्रीत सिंह, माधुरी दीक्षित तक शामिल थीं। बेहद खूबसूरत अवतार में नजर आ रही दीवाज में दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। हालांकि लोग उनके मेकअप को लेकर कमेंट कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने फेमिना ब्यूटी अवार्ड में बहुत ही ग्लैमरस लुक में एंट्री मारी थी। काले रंग के डीप वी कट प्लंगिंग नेक लाइन वाले बॉडी हगिंग गाउन में दीपिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस गाउन की स्लीव की जगह फरवरी लगा हुआ था, जिसे पहन दीपिका बेहद स्टाइलिश नजर आ रही थी। दीपिका पादुकोण की इस ड्रेस को देखकर लोग कॉपी कैट कह रहे हैं, तो वहीं उनके मेकअप को लेकर भी यूजर ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल दीपिका ने ड्यूई मेकअप किया हुआ था, जिसके साथ न्यूड रंग की लिपस्टिक को मैच किया गया था, जो उनके चेहरे पर कुछ खास जादू नहीं बिखेर रही थी। साथ ही सिग्नेचर आई मेकअप, जिसमें वो आजकल अक्सर नजर आती हैं, जिसमें स्ट्रेट मेंट आई ब्रोज और ब्राउन शेड का आई शेडो शामिल रहता है। दीपिका के इस मेकअप को देखकर लोग उन्हें कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि लग रहा है बीमारों वाला मेकअप करा कर आ गई हैं। वहीं दूसरे यूजर का कहना है कि दीपिका को कुछ खाने की जरूरत है। दीपिका पादुकोण ने फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स के लिए बेहद ही ग्लैमरस ड्रेस का चुनाव किया था, जिसकी तुलना प्रियंका चोपड़ा के ग्रैमी अवार्ड में पहनी ड्रेस से भी की जा रही है। दरअसल प्रियंका ने ग्रैमी अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर सफेद रंग का गाउन पहना था, जिसको लेकर ट्रोलर से लेकर फैशन डिजाइनर तक ने कमेंट किए थे। इस ड्रेस की नेकलाइन काफी बोल्ड थी और ये प्रियंका के बेली बटन तक खुली हुई थी।